मजेदार होने वाली है, पर देखते हैं वीडियो यार भाई। बस बस बिलावल भुट्टो पे एक नाम अच्छा देखते हैं भाई, पहले देखते हैं वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर मजीद हंसेंगे मुस्कुराएंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, उसका टाइटल है पाक फॉर्मर एफएम बिलावल भुट्टो वांट्स वॉर विद इंडिया फॉर कश्मीर। तो बिलावल भुट्टो, अब चूंकि इलेक्शन है ना, तो बिलावल भुट्टो साहब भी आ गए कि बिना कश्मीर के तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो कह रहे कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे। अब बिलावल भुट्टो क्या जंग लड़ेंगे, पहले खुद की जंग लड़ लें वो। चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है। आने की बात करते हैं। अभी आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो सा वो अपना कश्मीर आजाद करवा लूंगा। 76 साल से ये नारे चल रहे हैं, एक इंच कश्मीर आजाद नहीं करवाया, जंग की बात हम कर देते हैं। सर लेट मी आई टेल यू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम ग्राउंड से ना बॉटम से शुरू करते हैं। हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल। हमारे नबी ने तबलीग की जी, एक आप देखें मुस्लिम उम्मत बन गई जी, बिल्कुल। लोगों को बताया इस्लाम के बारे में, मुस्लिम उम्मत की देखें कितनी ज्यादा पब्लिक होगी लोग। सर आज लेकिन ये है कि मुस्लिम उम्मत ही आपस में लड़ रही है ना, ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान। गलत, नहीं ये गलत, मैं बोल गलत। फलां पश्तून, फलां बलोची, फलां वो सिंधी, फलां पंजाबी, ये नारेबाजी नहीं होना चाहिए। ये ना आवाम को कहें रोटी कपड़ा मकान, अवाम को शऊर दें। देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, अच्छा। हाईवे नहीं बनाए उन्होंने, ये चीजें नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई। उन्होंने जाके लोगों को कहा यार, अब उन्होंने जाके लोगों को खुद जाके कहा कि आना हबीबुल्ला, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, मेरी बात सुने। क्या आगे हमारे सहाबा कराम नहीं थे? अच्छा। जो हमारे नबी ने उनको तलीम दी, उधर से सहाबा ने सहाबा से ताबेईन से आगे से, उसके बाद हमारे जो वलीउल्लाह साहब, उन्होंने आगे नहीं तलीम दी? आपको लगता है आज उन जैसे लोग मौजूद हैं? मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। ये नवाज शरीफ साहब, मेरी बात ये है, मैं किसी पार्टी का या नाराबाजी नहीं, मेरा मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, मेरी नजर में मुझे लगता है पीटीआई है जो पाकिस्तान को चेंज कर सकती है। ठीक है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं कहता हूं अवाम की, जो अवाम चाहे जिसको जिसको उनको लगता है कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर, हमारे लिए वो फलाना लीडर है, उसको लेके आए वोट डाल के जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सके। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वोट उसे देना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमें आज भी 2024 चल रहा है, आज दूसरे कंट्रीज अगर बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन, ये बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो कश्मीर आजाद करा लूंगा, कुछ दिन पहले वो कहते 300 जंगे कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ हमें ये स्टेटमेंट दे के वोट देने चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर बात करके। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा, आने वाले 5-10 साल में पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करें। वो केपीके को केएफसी बोलेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि वी कैन डू समथिंग। इस ट्रू बात कर रहा हूँ। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि मैं माजरत से कहना चाहता हूँ, अभी वो उस लेवल के लीडर नहीं है, ठीक है, अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उनको सीखना चाहिए। और अभी इस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, बिलावल साहब ने कहा ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात की है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आजाद करा लूंगा, ये 76 साल से कश्मीर का आजाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे भाई जान? अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 76 साल से हम एक कौम नहीं बने थे, ये चीज है, मेरी बात सुनो। आप बन गए, जब एक अजीम कौम बन जाती है ना तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है, किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, फलां अमेरिका की। सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है, एक कौम बनने से आप देखें तुर्की को देखें, वो कौम
सर मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, कौन रोक रहा है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एक कौम बनने से? कौन रोक रहा है? बड़ी आसानी से आप लोग कह देते हमें कौम नहीं बन सके, तो या तो आप में बुद्धि नहीं है कि कौम कैसे बना जाता है, इस बात की समझ ही नहीं है कि भाई कौम कैसे बने, उसके स्टेप्स पता नहीं है, उसके तरीके पता नहीं है, यानी कि आप लोग एक नंबर के जाहिल आदमी हैं। और नहीं तो बताइए कि रोक कौन रहा है, अगर आप लोग बुद्धिमान हैं, आप में टैलेंट भी है, जज्बा भी है, तो रोक कौन रहा है? अमेरिका रोक रहा है, भारत रोक रहा है, इजराइल रोक रहा है, अफगानिस्तान रोक रहा है, ईरान रोक रहा है, चाइना रोक रहा है, रोक कौन रहा है आपको कौम बनने से? जवाब पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है और उससे कैसे निकला जा सकता है, यह भी बता देंगे कि जी दीन से दूर हो रहे हैं। अरे कौन कर रहा है दीन से दूर आपको? अजी दीन पर नहीं चल रहे, अरे तो किसने आपके पांव में बेड़ियां जकड़ रखी हैं कि दीन पर मत चलिए आप? कॉन्ट्राडिक्शन मत कीजिए कि मुझे पता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि वो गलत सोल्यूशन है आपके पास या तो, और नहीं तो उस सोल्यूशन का इस्तेमाल करिए और दिखाइए। दोनों बातें कहते हैं, हमारे पास सोल्यूशन भी है लेकिन हमें उस सोल्यूशन का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। अरे भैया किसने रोक दिया भाई तुम्हें? कौन कौम नहीं बनने दे रहा? एक रात जागी थी, मैं कहता हूं बांग्लादेश को देख ले। ट्रस्ट मी गाइस, आई एम रियली रियली वांट टू टेल यू कि मैंने खुद देखा है द तुर्की के आर्मी चीफ ऐसे खड़े हुए हैं, दे हैव टू साइन फॉर बजट। क्या ये चीज हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? हम लोग फाइट पता क्या कर रहे हैं? हम लोग फाइट कर रहे हैं नवाज शरीफ गलत है, हम लोग फाइट कर रहे हैं इमरान खान गलत है, बिलावल साहब गलत, बेसिक नहीं ढूंढ रहे। पता हम सबको है किसका कसूर है, आपस में फाइट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं सियासत वो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान लोगों को, पाकिस्तान को। सर लोग पाकिस्तान के हैं ना, लोगों को, हम ये पाकिस्तान में है ना, तो हमारे लोग कौन है? पाकिस्तान है। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के बारे में करेंगे, ये इनको चाहिए आपस में बैठे सिटिंग करें, मुल्क के बारे में सोचें। आज के दौर में जंग की बात होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी में मुकाबला, आईटी में मुकाबला, एजुकेशन में मुकाबला, हेल्थ में मुकाबला, ये बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, आईटी में होनी चाहिए, हमारी कौम को बाशऊर होना चाहिए। शऊर से हमारी कौम बहुत दूर है और जहालियत में पहले अव्वल नंबर पर है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं अवेयरनेस आ रही है, वो भाई नहीं आ रही। अवेयरनेस कैसे आ रही है, मुझे एक्सप्लेन नाइसली करें ना, क्या अवेयरनेस आ रही है? कहती है कि सोशल मीडिया के थ्रू काफी चीजें पता, सोशल मीडिया के ऊपर करना और एक प्रैक्टिकली करना वो डिफरेंट है, ये चीज है। ठीक है ना, यू नो, तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये सोच इस तरह ही बदल सकती है ना कि कोई अच्छा आए ना, कोई अच्छा आए, तब्दीली आए। तब्दीली के नारे सुनते हैं, तब्दीली के नारे सुनते हैं, ये तब्दीली आ रही, क्या तब्दीली आ रही है? बिल्कुल, और फिर जाहिल है, कमतर कमतर है, ठीक है छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, वही हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं, पूरा अंपायर वही खड़ा है कि पाकिस्तान किस नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या यहाँ पे इस्लामी कानून है? क्या यहाँ पे शरी निजाम है? कोई शरी निजाम नहीं। क्या शरी निजाम है? इस्लाम की पाबंदी होनी चाहिए ना, इस्लाम के कवानीन पे चलना चाहिए ना। सिस्टम क्या इस्लाम के मुताबिक है? नहीं है ही नहीं है। तो हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला से जंग करें, ये इस्लाम में है कि भाई जो जो सूद के ऊपर काम करेगा वो। 1400 साल पहले बैंकिंग सिस्टम था क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। और ये जो लोग कहते हैं कि सूद का निजाम, व्हाट इज सूद का निजाम? सूद को कैसे आप लोग हराम खो? जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया और आप कोई प्रोडक्ट 5 रुपए की खरीद के लेके आ रहे हैं। अब चूंकि आपने अपना पूंजी लगाई है उसमें, अब वो आपने बिजनेस 5 रुपए की चीज खरीदी और सामने वाले को 7 रुपए भेजा, आपने 2 रुपए मुनाफा कमाया, कमाओगे ना मुनाफा जो बिजनेस करते हो। तो जो बैंक्स हैं वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है, मान लीजिए इंटरेस्ट लेता है, तो उसका बिजनेस है ना भाई। उसने आपको पैसे दिए, आपको जरूरत है पैसे दिए, जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, वो उनका पैसा प्रोडक्ट है, वो उस पर अपना फायदा ले रहे हैं कि भाई आप, मैं 100 रुपए दे रहा हूं लेकिन मैं इस पर 5 रुपए का आपसे इंटरेस्ट भी लूंगा, उस पर कमाऊंगा मैं। जैसे आपने 5 रुपए का प्रोडक्ट किसी से खरीदा और वो 5 रुपए का प्रोडक्ट आपने 7 रुपए में बेचा, या आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप 2 रुपए में बना रहे हो और 3 रुपए में होलसेलर को बेच रहे हो, होलसेलर फिर उसको 5 रुपए में बेचता है, तो जो मुनाफा ले रहे हो वो क्या है? वही मुनाफा बैंक लेते हैं। और जब वो आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपने पैसे बैंक में 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं,
उन लाख रुपए पर 4% का ब्याज मान लो देते हैं, आपको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो आपको कहोगे कि हराम है मैं नहीं लूंगा। भाई क्यों नहीं लोगे, वो आपका राइट है, वो हराम नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर वो 1 लाख रुपए उसने आपने बैंक में रखे हुए हैं और वो बैंक उन 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कहीं पे कर रहा है, उससे वो 1,10,000 रुपए कमा रहा है और उनमें से आपको 2,000 रुपए दे रहा है, तो बिजनेस कर रहा है ना वो, तो वो सूद हराम कैसे हो गया? फिर तो भाई ऐसा करिए कि जिस रेट पर फैक्ट्री में चीज बनती है, जो एक्चुअल रेट लगती है कि एक चीज बनाने में 5 रुपए मेरे खर्च हुए हैं, तो एक मार्जिन तय कर दीजिए, उसी मार्जिन पर बेच दो भाई। फिर लोग उसको एमआरपी पे क्यों बेचते हैं? वो भी तो सूदखोरी हुई कि आपने मुनाफा लिया, मुनाफा लिया, तो बैंक भी तो यही कर रहे हैं। सूद का निजाम क्या होता है, मतलब कि बैंक आपको फ्री में पैसे दे दे ऐसे ही, तब तो जितनी फैक्ट्रीज में सामान बन रहा है वो 5 रुपए का बनता है, तो आपको भी 5 रुपए का ही मिलना चाहिए। उसने जो आदमी लगाए हैं, उसने जो पैसे लगाए हैं, उसने जो मेहनत करी है, उसने जो आइडिया लगाया, उसके कुछ नहीं होते भाई, क्योंकि वो सूद के निजाम में आ जाएगा। सूद तू इंटरेस्ट कैसे ले लेगा, तू मुनाफा कैसे ले लेगा? आप लोग को सिस्टम ही नहीं पता है। सूद का निजाम हटाना है, सूद का निजाम हटाना, सूद, अबे यार सूद का निजाम हटाना, भेड़ों की तरह हो, एक भेड़ चल गई आगे जाके गड्ढे में गिर जाएगी, तुम भी गिर जाओगे गड्ढे में जाके। वो अल्लाह से जंग है, अल्लाह और उसके, हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। हम कहते हैं हमने जाके इंडिया से, इसराइल से, पता नहीं किस किस से हमने जंग करनी है, और वो टेक्नोलॉजी में किधर से किधर चले गए। हाँ। सर प्रॉब्लम पता क्या है, फर्स्टली ऑल हमें ना पहले चाहिए हमारी अपनी कौम को सलाह करनी चाहिए, हम जी हम अपनी पहले सलाह करें कि हमें क्या सूट करता है। हम लोग कहते हैं यार 10 इन लोगों को दे दो वोट, यार 20 कहते हैं उनको दे दो, कोई ये नहीं सोचता यार हु इज द बेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं कि भाई जंग जोन सी करनी है तो अपने आप से करें, एजुकेशन पे करें, अपने जो यहाँ पे खामियां उन्हें दूर करें, या जंग हमने इंडिया से करनी है? नहीं नहीं, इंडिया से नहीं, हमने खुद अपने आप को चेंज करना है ना। इंडिया से जंग करके हमने क्या चांद पर जाना है? ये बड़ी गहरी बात की है कि वो चांद पे चले गए और हमने तो चांद पे जाएंगे जंग करके। ओ यार पाकिस्तान अभी उस स्टेज तो पर है, हमें शर्म आती है यार, हमें इस चीज से शर्म आती है। समटाइम मैं देखता हूँ यार, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये छोटे छोटे बच्चे मांगते होते हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का। ठीक है। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर द एक्स प्राइम मिनिस्टर भी, वो मैं उनके लिए बात कहना चाहता हूँ, अगर वो कहेंगे ना बेगर कान भी चूजर, यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुदार कौम है, हम लोग अपनी मेहनत से कमा के अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अच्छी से कमा के खिलाते हैं। सर ये हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आईएमएफ के पास नहीं? इस बात पर मैं भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं भैया आप लोग, आपके बच्चे और आप लोगों के माँ बाप, सुनिए। ये देखिए मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दी है, हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। तो दुनिया भर में आप लोग भीख मांग रहे हैं, भिखारी की तरह दुत्कारे जाते हैं, भिखारियों की तरह भगाए जाते हैं, ये खुददारी है, लानत है ऐसी खुददारी पर। नहीं जाते क्या हम चाइना के पास? नहीं जाते, मैं जाता हूं, आप जाते हैं। देखें इमेज तो पाकिस्तान का। नहीं 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 सर, यहां पर गलत है। क्या कहना चाहेंगे, यानी अगर लेट्स सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वो हमारे तौर पर जा रहे हैं, कर्जा हमसे पूछ के लिया जाता है। कर्जा हमसे पूछ के नहीं लिया जाता, कर्जा हमने नहीं अदा करना। अच्छा। इन्होंने लिया, इनकी जेबों में गया। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ से देखा है। हाँ। एक अदालत की टाइलें बिल्कुल ठीक हैं,
वो चल सकती हैं, आने वाले 5-10 साल 15 साल चल सकती हैं। बजट लेने के लिए बस उसको देना जाता है, फिर उसको उसको दोबारा उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। यार सिस्टम के सिस्टम ही करप्ट है, वी हैव टू चेंज द सिस्टम। ये चीज है, हमें सोच बदलने की जरूरत है। हमें जो इन्होंने बात किया कि भाई इंडिया से जंग करनी है तो चांद पे चले जाओ, क्योंकि वो चांद पे चले गए हैं। जंग करनी है तो 5वीं बड़ी वो इकोनॉमी बन गए, हम उधर जंग करें ना। 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन के सिर्फ ये चाहिए। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं सुभाष शरीफ साहब को और बिलावल साहब है या जो भी है, मेरी बात सुने खुदाया, हमें किसी भी कंट्री के सामने या किसी भी इंटरव्यू देने से पहले ये मत कहें कि बेगर कान भी चूजर, और ये मत कहें कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। हाँ। भाई हमारा नहीं वेंटिलेटर, हम लोग अपनी खुद कमा के खाते हैं और हमें नहीं उनकी जरूरत। झूठ बोलते हैं आप, खुद कमा के खाते हैं, कहां से कमाएंगे भाई, कहां से कमाते हैं? आपके फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसे पड़े हैं वो भी भीख के पैसे पड़े हैं, अमेरिका के, चाइना के, सऊदीया के, कहां से कमाएंगे? अगर वो पैसे ना पड़े हो ना, नंगे हो जाएंगे आप, नंगे अभी इसी वक्त। और कहते हैं कि किसी पर आप हैं नहीं, इमरान खान की तारीफ कर रहे थे ना आप। अरे फैक्ट पे बात करो ना यार, इमरान खान की तारीफ कर रहे थे ना। सबसे ज्यादा कर्जा तुम्हारे इमरान खान ने लिया, 48% के अराउंड, पूरे 76 साल के इतिहास में पूरे पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया इसने 3 साल में 48% ले लिया शायद। है जवाब इसका, क्यों लिया कर्जा भाई? तुमसे पूछ कर लिया था कर्जा इमरान खान ने? पूछा था तुमसे? इमरान खान जब आया पीएम बना 116वें नंबर पर थे आप करप्शन इंडेक्स में, जब इमरान खान गया 140वें नंबर पर थे। क्यों करप्शन बढ़ गया भाई इमरान खान के टाइम पे? पूछा तुमने इमरान खान से? बात करते हो। इमरान खान के कर्जा लेने की वजह से क्या हुआ? जितना कर्जा पाकिस्तानियों के ऊपर था करीब करीब डबल कर्जा हो गया, डेप्ट हो गया हर पाकिस्तानी के ऊपर तुम्हारे इमरान खान की वजह से। मुंह मत खुलवाओ मेरा, नंगा करने में टाइम नहीं लगाता हूं मैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप बिल के टैक्स देखें, और यार टैक्स कितने, अगर हम अपने टैक्स अदा कर सकते हैं तो हमें अमेरिका की क्या जरूरत है, हमें किसी की जरूरत, चाइना की भी जरूरत नहीं। और सर चाइना तो वी आर फ्रेंड विद द चाइना। अबे पैसे कैसे कमाओगे? अगर तुम पैसे कमा रहे होते, पैसे कमाए जाते हैं बिजनेस करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, मैन्युफैक्चरिंग करके। कौन सी बड़ी कंपनी है तुम्हारे यहां, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या बात कर रहे हो यार? अगर ये सब हो रहा होता तुम्हारे यहां तो कर्जा लेने की जरूरत क्या है? तुम्हारे प्रोडक्ट की धूम होती अगर पूरे देश में, और जितना कुछ भी बेचते हो। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, चाइना से तुमने पिछली बार शायद 22-23 का डेटा है इंपोर्ट किया $20 बिलियन से ज्यादा का सामान, मतलब तुमने अपने यूज की हर चीज चाइना से इंपोर्ट की, और चाइना को तुमने बेचा कितना, $3 लाख का सामान। तो अपने औकात में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो। जब कुछ बनाते नहीं हो, जब कोई ऑफिस नहीं है तुम्हारे पास, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तुम्हारे पास, तुम सामान बेच नहीं सकते, पैसे कैसे कमाओगे? खर्चे तुम्हारे हैं 50 रुपए के, और तुम्हारी कमाई होती है खुद की 1 रुपए की, 49 रुपए कहां से लाओगे? सिंपल मैथमेटिक्स है ये। वो 49 रुपए तुम IMF से लेते हो, चाइना से लेते हो, अमेरिका से लेते हो, सऊदी से लेते हो, 49 रुपए तुम कमा नहीं सकते। अब बात करते हो कि हम कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, अबे जाके पहले पढ़ लो ढंग से। हमें जरूरत है चाइना की, जरूरत है। कभी हमें छोड़ा, कभी छोड़ा, कभी मैं कहता हूँ हमें ये चाइना, ये नहीं कहता चाइना, मेरी बात सुनो। अभी आप कह रहे हैं चाइना ने कभी छोड़ा नहीं, मैं कहता हूँ कल को ये ना हो हम के चाइना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन ले, आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये आपकी एक जो नीडल्स है ना, ये सुई, वो भी चाइना बना रहा है। हम क्यों नहीं बना रहे सारे? इसलिए तो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। और जब सिस्टम ही नहीं ठीक होगा ग्राउंड बेसिक फ्लोर से, तो ऊपर वाले को कैसे पकड़ोगे? और यार नीचे वाला ठीक होगा, ऊपर वाला खुद ही ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आप हो, चीफ सेक्रेटरी हो, आपके पेन की, आपके साइन की इतनी वैल्यू है कि आप अगर शट डाउन करते हो तो
तो मेरे ख्याल से आप उधर खड़े हो जाओ यार, अपने हक पे, राइट पे यार, मैं दो नंबरी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। इफ यू वांट यू कैन फायर मी, ब्रिंग अनदर पर्सन, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा बात करके, कुछ बातों से मैं इनके डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि इनको अपनी जो भी इन्होंने बात किया उसका पूरा राइट है, जो हमने बात की उसका पूरा राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 18 मुल्क पीड़े हैं। कौन कौन? मतलब मैंने बहुत से मुल्क पीड़े हैं, मैं आपको मेंशन करके नहीं बताना चाहता। मैंने आपको इतना कह दिया कि मैंने 18 मुल्क फिरे हैं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एट द मोमेंट इज नथिंग, जीरो। व्हाई जीरो? 3.5 ईयर। ट्रस्ट मी, द इमरान खान, ही डिड समथिंग वेल, ही ब्रॉट द वैल्यू ऑफ पासपोर्ट। आप, मैं कुछ पाकिस्तानी हूं भाई, इधर बात यहां पे झूठ बोला तूने, यहां पे झूठ बोलता है तू। क्या पासपोर्ट की इज्जत बनाई इमरान खान ने? आप ही की मीडिया पर चर्चा होती है, सुन लीजिए। ओ सर, साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है? ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयाँ हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? सुन लिया, अब जाकर फैक्ट पढ़ो। जो पासपोर्ट इंडेक्स आता है जिसमें नंबर्स दिए जाते हैं कि कौन सा किस देश का पासपोर्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इमरान खान के पहले से वो दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट पाकिस्तान का था, इमरान खान के रहते हुए भी दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट पाकिस्तान का था, और इमरान खान के जाने के बाद भी अभी तक दुनिया का सबसे चौथा पासपोर्ट खराब पाकिस्तान का है। तो कहां इज्जत बढ़ गई भाई? कौन सी इज्जत बढ़ गई तुम्हारे पासपोर्ट की, बताओ तो, कहीं तो रिफ्लेक्ट हो ना, इज्जत बढ़ी तो। लेकिन आप भी उन्हीं पाकिस्तानी की तरह निकले जो हवा हवाई बातें करते हैं। पिताजी पिताजी मैंने तो दिन भर पढ़ाई की है, 24 घंटे पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई की है, लेकिन जब पिताजी रिजल्ट देखते हैं, अरे तू फेल हो गया, तू तो कहता था तूने बड़ी पढ़ाई की है। हाँ पिताजी, पढ़ाई तो मैंने की है और बिल्कुल की है, तो रिजल्ट जीरो क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ तू? अब यह नहीं पिताजी साहब, यह है आपकी हालत। बात करूंगा ना जी जी। कोई चौंगे शेर के, मगर ओवरसीज में जाके देखें। अच्छा। आपकी वैल्यू टके की है, टके की क्या है, टके की। 2 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसा ना ना भेजे तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ किधर से क्या होता है। है ये देखें, ये अगर इन्होंने फॉरेन कंट्रीज का विजिट किया है तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पासपोर्ट की जीरो वैल्यू है, टके की वैल्यू है। लेकिन यही चीज अगर हम अपनी वर्थ खुद बनाएंगे, अपने आप को किसी पांव पे खड़ा करेंगे, देखें जिन कंट्रीज ने हमारे साथ सफर शुरू किया, आज चाइना की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई वो सुई भी बनाता है, हर चीज बनाता है, चाइना ने हमारे से बाद में जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आए। इसके अलावा बांग्लादेश की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, कहां से कहां चले गए सर वो 4%, उनकी क्या रिस्पेक्ट है? वो 4% के लोग देखो आज 4% किधर के चले गए, चले गए। आज पाकिस्तान अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार ये हमारा मुल्क है, वी नीड टू डाई इवन हियर। क्यों? क्योंकि यार ये हमारा खून के अंदर है, हम पाकिस्तानी है, वी फील प्राउड इन द वर्ल्ड। हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मुझे लास्ट में बस ये बता दें, बड़ी लंबी डिबेट। पाकिस्तान में हम लोग कर पता क्या रहे हैं? ठीक है, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, फलां को कुर्सी पे ले आओ, ठीक है, 80% हमारा, 20% आपका, ठीक है। सो लेट्स वी कैन मूव ऑन। ये भेड़ बकरियां हैं, ये लोग नहीं है, भेड़ बकरियां हैं भाई। जिसकी पाकिस्तान द रूल्स, जिसकी लाठी उसकी बैंस, ऐसे ही है बनाना रिपब्लिक जो इमरान खान। यार मेरी बात है, जब मैं इस बच्चे जितना था ना, तब 2 रुपए के नोट या एक। यार अब इस बंदे की बात सुनकर ना वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा। अब इसने कहा कि हम प्रोपेगेंडा करें, अरे अभी अभी तूने प्रोपेगेंडा किया है भाई। तूने प्रोपेगेंडा ये किया कि तूने कहा कि पासपोर्ट की इज्जत इमरान खान के वक्त में बढ़ी है, तू साबित नहीं कर पाया कि कैसे बढ़ी है। पासपोर्ट की रैंकिंग सुधर गई हो कई देशों में, पाकिस्तान के पासपोर्ट की उस टाइम पे जब तक इमरान रहा फ्री ऑफ अब आइए स्वागत कर दिया गया हो। तूने कहा कि कर्जा, तूने नवाज शरीफ और बाकी लोगों पर कहा कि ये कर्जा लेते हैं, कर्जा लेते, कर्जा लेते। तूने प्रोपेगेंडा किया, तूने तो कहा ही नहीं कि इमरान खान ने कर्जा लिया, 48% कर्जा लिया पूरे पाकिस्तान के इतिहास में 3 साल के भीतर, ये तूने बताया नहीं, ये तूने प्रोपेगेंडा किया। तूने इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ा उसका तूने जिक्र नहीं किया, तूने ये प्रोपेगेंडा किया। तूने इमरान खान को सही साबित करने के लिए फैक्ट्स ही नहीं दिए, झूठे फैक्ट साबित ही नहीं कर पाया तू, तो प्रोपेगेंडा तो तूने अभी किया है। सच बोलना सीखो पाकिस्तानियों, सच बोलना सीखो।
लेकिन नहीं सीखना। क्यों सीखेंगे भाई, हमारी मर्जी, हमारे डीएनए में झूठ बोलना, हमारे डीएनए में अहमकारी। लेकिन अब क्या कहें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सच बोलना नहीं और सच स्वीकार नहीं करना है। इमरान खान का प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया इसको, लेकिन चूंकि इमरान खान का सपोर्टर है तो बाकी सबको प्रोपेगेंडिस्ट कर दिया, लेकिन इमरान खान का प्रोपेगेंडा समझ में नहीं आया इसको। सोचो, अच्छा है पाकिस्तानियों, अच्छा है इन्हीं सब सारी चीजों में उलझे रहो, झूठ के चक्कर में पड़े रहो, मक्कारी करते रहो, प्रोपेगेंडा करते रहो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 76 साल से यही करते आए हो, आने वाले कुछ टाइम तक यही करते रहो, रिजल्ट दिख जाएगा जैसा 71 में दिखा है, वैसा ही रिजल्ट फिर दिख जाएगा, और यकीन मानो दिखेगा, मेरी बात याद रखना। नहीं सुधरे ना, ये प्रोपेगेंडा करना बंद नहीं किया ना कि चलो मेरे वाले बंदे ने क्राइम भी कर दिया तो मैं उसको डिफेंड कर लूंगा, कोई बात नहीं, उसका कोई ना कोई तोड़ निकालूंगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं किया, उसने कर्जा इसलिए नहीं लिया, तो कर्जे को उतारने के लिए कर्जा लिया उसने। और बिलावल भुट्टो, तुम्हें जंग करनी है ना तो करना जंग, औकात है बिलावल भुट्टो तुम्हारी, तुम्हारे बाप दादा भी यही करते करते मर गए, बाप तो खैर जिंदा है अभी, बाकी लोग भी ऐसा ही करते करते आए और चले गए, 76 साल में कुछ नहीं कर पाए हो। तुम्हारा आर्मी चीफ कह के गया है कि 100 साल तक भारत से हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, क्यों? उसे पता है ना उसकी औकात कितनी है तुम्हारी फौज की, वो जब भी जंग की बात सोचता होगा तो उसको 93,000 वो पैंटें नजर आती होंगी जो 1971 में उतारी गई थी। ओहो, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, भारत के आर्मी वाले भी बड़े, तो मैं कहूँ कि आप लोग रहम दिल नहीं हो, जो भी आता है आप लोग वही वही तस्वीर के आगे फोटो खिंचवाते हो यार, आप लोग को जरा भी इन पाकिस्तानी बेचारों पर शर्म नहीं आती कि कितने बेशरम लोग हैं और इनको शर्मिंदा इस तरह आप लोग करते हैं? बताइए, अमेरिका से बंदा आया तो नियाजी की आगे फोटो, बांग्लादेश से बंदा आया तो नियाजी की फोटो, ऑस्ट्रेलिया से बंदा आया तो नियाजी की फोटो, ब्रिटेन से बंदा आया तो नियाजी के आगे फोटो, मतलब दुनिया में जहां से भी लोग आ रहे हैं वो नियाजी के आगे फोटो खिंचवानी है जी आप लोगों को? अरे ऐसे कोई भेगो भेगो के मारता है यार 50 साल 51 साल बाद भी? बताइए, यही सच्चाई है पाकिस्तानियों तुम्हारी, समझे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, पूरा वीडियो नहीं देखा क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी चीजें, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों, वीडियो में कहता हूं, वीडियो तो शुरू में मिस्लम भाई आंसर आए थे यार, मैं एक बात कहना चाहूंगा बिलावल भाई को। हाँ भाई, बिलावल भाई है कि बिलावल भाई साहब, बिलावल भाई साहब आपको ठीक है के पहले भाई अपना जो है ना मसला वो हल कर ले। कौन सा? आप मर्द है, आप बेल है? नहीं भाई, नहीं पर्सनली, इसकी बेल है पर्सनली, यासी बेल है, नहीं पर्सनली, ये हल नहीं इस्लाम भाई, पर्सनली आप कश्मीर का जो मुद्दा है वो हल कीजिएगा भाई, फिर बस मैं इतनी कहूंगा उनके बारे में। आपको लाइसेंस दिखाए कि मतलब कि मर्द है कि औरत है? नहीं नहीं, बेहुदा पे क्योंकि शेख सीधा तुरंत वो कहते हैं कि भाई वो बिल्लो रानी है तो उसी से मैंने भी आगे पॉइंट। नहीं नहीं, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई इस तरह का ना मतलब उसका वो तो मुझे भी आई एनसी की यार, ये ना तिन्ना चुनो तेरा है। नहीं बात भाई, इस्लाम की नहीं, हैरानी मुझे खुद का मसला लग रहा है, मैं पर्सनली बुझा रहा हूं उसके, मैं सिर्फ वैसे जनरल एक बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी बातें सुनी है शेख रशीद साहब से, तो उसके बारे में उनकी बातों से मैंने वो तो शेख रशीद, तो वो ये बिलावल साहब, बिलावल भाई साहब जो है ना, ये अक्सर जो है ना हैरानी मुझे होती है, वो कहता है कि भाई मैं अगर इस दफा गवर्नमेंट मुझे मिली तो देखने, बहुत बड़ी उन्होंने बात की है, अगर मुझे मैं गवर्नमेंट में आता हूँ, इक्तदार में आता हूँ तो मैं भाई कश्मीर का मसला हल कर दूंगा। भाई बात मुख्तर ये मुख्तर क्या करनी, बात यह है कि सबसे पहले बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि वो खुद से लड़ाई कर ले, जंग कर ले, क्योंकि खुद से जंग करना सबसे मुश्किल होता है। अच्छा एक
बाकी बातों पर क्लैरिफाई कर दे, प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है सर, देखो खुद से कैसे जान दो, खुद से जान ये होती है यार, आप क्या सुनना क्या चाहते हैं, ये खुद से जान लो, हम ये सुनना चाहते हैं कि इसका खुद से जान, खुद से एक्सप्लेन करें इसको, क्या आप सवाल ले रहे हैं यार, हमें चले कोई और फजलुर रहमान बोलता हमें समझ आती, जरदारी बोलता हमें समझ आती, क्यों यार वो क्या श्री बोलता समझ आती, शबाज शरीफ बोलता तब भी समझ आ जाती, लेकिन बिलावल साहब भाई साहब जो है ना वो बोल रहे हैं तो थोड़ी सी इसकी समझ नहीं आ रही कि भाई वो कहते हैं कि अगर मैं इक्तदार में आया तो बिलावल मसला हल कर दूंगा, जो इतने कह रहे हैं बड़े बड़े हुक्मरानों से मसला नहीं हल हुआ, वो कल का पिद्दू सा जो है ना छोकरा वो हल करने चला है, इस बात से मुझे है फॉरेन मिनिस्टर हो चुका है आप उसको, उसके फॉरेन मिनिस्टर में एक बात मुझे ये बता दे कि मुल्क को कोई उसके एक दौरे से फायदा, असलम भाई, असलम भाई ठीक है वो बातें मैं बाद में करता हूँ, आलोक साहब ने एक बात की, मैं वीडियो में फोकस उस पर आपके सब को करना चाहता हूँ, आलोक साहब ने बात की कि सूद के निज़ाम पर, और फिर उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया कि आप दुकान वाला ना वो अपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट लेकर बैठा है तो वो प्रोडक्ट बेचता है तो उसको पीछे से वो 5 रुपये की उसको मिलती है या बनाता है उसका अखरा है उस पर वो 2 रुपये लेता है तो वो प्याज कैसे होगा, उसको फिर उन्होंने कंपैरिजन किया, ये बातें गौर से सुनना, मैं कोशिश करूँगा, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ उनको एक्सप्लेन करूँ, ये प्याज या इसको इंटरेस्ट क्यों क्यों कहते हो, ये क्यों हराम है, आप अपने नजरिए हो, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह मैं सही हूँ, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसे हो सकता है मेरी बात उन तक पहुँच जाए, मैं भी इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि कोई शॉपकीपर है एक दुकान वाला वो अपने एक प्रोडक्ट लेकर बैठा है उस 5 रुपये की 7 की बेच देता है, वेल एंड गुड, उस पर उसको हम नहीं कहते, उसको हम सूद नहीं कहते, चले आप समझाएंगे, उसको सूद नहीं कहते, ठीक हो गया, पहले बात ये क्लियर कर दूँ, अगर शॉपकीपर को अपनी चीज़ लेकर बैठा है वो बेचता है तो वो सूद नहीं है, हाँ बैंक कैसे सूद है ये मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा, बैंक से फर्क कर रहे मैंने पैसा ले लिया मतलब छोड़ो मैंने पैसा लिया, मैं मिसाल ले लें कोई भी कारोबार है मोटा सा मिसाल है, मैं अपने गांव के लिहाज से मिसाल लेता हूँ, मतलब बैंकों का फार्म बना लिया, बैंक से लोन लिया वो फार्म बना लिया, अब बैंक मुझसे इंटरेस्ट में यह फर्क मैंने 1 लाख रुपया लिया मुझसे इंटरेस्ट लेता है 1,04,000 या 10,000 लेता है कि मैंने वो वापस करना ही करना है हर सूरत, मतलब कमिटमेंट हो जाती ना साइन हो जाते हैं ऐसे ही होता है, कमिटमेंट होगी लोन जो मिल गया मैंने अपना कारोबार कर लिया, खुदा न खास्ता आते ही मुझे उसमें लॉस हो जाता है, मुझे लॉस हो जाता है, लॉस भी पूरे लाख का लाख के लॉस हो जाता है, मैं कितने लॉस में गया 1,10,000 के लॉस में, बैंक को कितना फायदा हो गया 10,000 हो गया, मैं मानता हूँ बैंक की प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा, ठीक हो गया, मैं मेरे गरीब का क्या होगा, कारोबार के अंदर शरी लिहाज से इसलिए हराम है क्योंकि कारोबार के अंदर नफ़ा भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, अगर नफ़ा इसलिए फिक्स नहीं किया जाता, मैं और अहमद लोग कारोबार करते हैं ना नफा और घाटा वही ना वही मैं कह रहा हूँ नफा नुकसान हो सकता है ना प्रॉफिट लॉस हो सकता है इसे ही कारोबार कहते हैं, अगर बैंक पैसे दे रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो सामने जिसको दे रहा हो जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल दी उसको मुनाफा भी हो सकता है चांस है और उसको ये भी चांस है कि उसको लॉस भी हो सकता है, अगर मुनाफा तो हो गया जब मैंने फिक्स कह दिया मैंने एग्रीमेंट कर लिया बैंक के साथ मुझे लॉस होगा तो मैं गरीब पहले ही लोन ले रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँगा, इसे कहते हैं मैंने ये वीडियो कर रहा हूँ, मैंने मूवी देखी थी पाकिस्तान की पुरानी मूवी थी मलंगी शायद आप नहीं जानते क्योंकि मैं उससे कोट करना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमारे माशरे की एक चीज़ में दिखा झलक दिखाई एक गरीब आवाम और होता भी ऐसे था अंग्रेजों असलम भाई थोड़ा सा जी। आप लेकिन जो बैंक है ना बैंक ने तो अपनी रकम पूरी ले ले ली है ये भी आप साथ थोड़ा सा कोड मैं वही कह रहा हूँ बैंक ने ले ली क्योंकि बैंक को बैंक ने जो रकम दी हुई है ना उस भाई को इसको तो बैंक ने अपनी पूरी ले ली चाहे इसको मुनाफा हो या इसको मैं कह चुका हूँ पहले कह चुका असलम भाई मैं मर जाऊं मैं जिंदा रहूं मैं डूब जाऊं मैं जिधर भी जाऊं मैंने बैंक को वापस करना ही करना ठीक है ना हाँ उसको हम हराम इसलिए कहते हैं कि वो जो पैसा बैंक हमने वापस लौटाना है वो मैंने हर सूरत में फिक्स जिस चीज़ को हम कहते हैं फिक्स कर देना हाँ ये हो जाए कि भाई अगर आप इस तरह फिर बैंक नहीं चलेंगे बैंक तो 40 सूद पर रहे हैं
चाहे सामने वाले गरीब को नुकसान हो, सामने वाले गरीब को फायदा हो। यह सिस्टम अंग्रेजों का, अंग्रेज टोटली सिस्टम नहीं, लेकिन मसला यह है कि हमारी रग रग में हराम बस चुका है। हम करते हैं, हमारे जितने भी बड़े लोन है, कंपनीज हैं, काम कर रही है, लोन पर चल रही है। अब मैं अक्सर क्या सुना है कि बैंक करप्ट हो गए, उनके बेचारों के कोठियां मालात बिक जाते हैं, लेकिन बैंक फिर भी जान नहीं छोड़ता, उनके नस्लों तक बैंक पहुंच जाता है, लेकिन बैंक ने लेने लेने। इसलिए इस्लाम के अंदर इसको हराम समझा गया है। उनका कारोबार कर, मैं और मतलब कारोबार शुरू करते हैं ना, अब हम परसेंटेज फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर भी लॉस हुआ, इतने परसेंट तुम्हारा लॉस होगा तो मेरा भी लॉस होगा। हाँ, बैंक अगर मुनाफा हुआ इतने परसेंट तुम्हारा मुनाफा होगा, इतने परसेंट मेरा होगा अगर मुनाफा हुआ। इसे कहते हैं कारोबार। लॉस होगा तो दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन बैंक जिम्मेदार नहीं होता लॉस का, होता है कहीं किसी बैंक अगर जिम्मेदार हो जाए लॉस का, तो मैं कहता हूँ फिर वो हलाल है। फिर जो कोई है बैंक ऐसा होती बता दो कि वो जिम्मेदार हो, ठीक है आप भी लॉस हो जाता है, कोई नहीं मसला। हम भाई जो बैंक होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के जिम्मेदार होता है, तो प्रॉफिट क्योंकि लॉस है उसने बर्दाश्त नहीं करना, इस वजह से वो जो है हराम। इसलिए हमारे इस्लाम में से हराम, क्योंकि सिर्फ एक बंदे पर सारा वजन होता है, वो डूबे या तरे, ये वो जो मर्जी हो उसने फिक्स कर दिया, उसके लिए मौत है दूसरे। फिर खुदकुशियाँ करते हैं लोग, मैं देखे इन बैंक के लोनों के वजह से लोगों सबसे ज्यादा खुदकुशियाँ होती हैं। होती हैं बिल्कुल भाई, क्योंकि वापस तो कर नहीं पाते और वो कपड़े उतारने तक आ जाते हैं। इसलिए इसको इस्लाम ने हराम समझा। कारोबार जो होता ना, आपने कहा कि वो उसकी प्रोडक्ट उसने सेल की, उसने कारोबार करवाया, ठीक है कारोबार करते हैं। पास एग्जाम्पल है, मैं और हम तो कारोबार करते हैं, हम बराबर के शिरकतदार हैं, मुनाफे के अंदर भी, लॉस के अंदर भी और प्रॉफिट के अंदर भी। यानी कि मेन बात यही है कि जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होना वो कारोबार है, वो कारोबार है, वहां पे जो है ना सूद का कोई सिस्टम नहीं है, वो ऐसा कारोबार, वो बिजनेस है। प्रोडक्ट मैं नहीं मानता पैसा बैंक का प्रोडक्ट है, लेकिन चल सब रहे हैं, क्या करें, कोई इसको बदल नहीं सकता। चेंजेस आई हैं माशरे के अंदर, चीज़ें बदली हैं। आप मुझसे भी इख्तलाफ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लोग सब ने भी की है, उनका अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बिजनेस के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो बैंक है, जो बैंक है वो आपका पार्टनर होता है, और अंग्रेजों ने ये सिस्टम मुतारक करा था। कई जिम्मेदारों जमींदारों की जमीनें डूबती देखी है। असल भाई एक मुझे याद आ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट का होना उसमें जो है कह रहे हैं कि सूद। असलम भाई सॉरी मैं आपको बात करूँ, हम परसों गए हुए थे, कड़ा वीडियो नहीं आया जी, आपको पता होगा, उस दिन मेरे अपने दादा अबू थे, उनका इंतकाल हुआ था, उधर गए थे, मेरे वालद के मामू थे, दादा अबू बुलाते हैं, उन्होंने लोन लिया था। मैं जिंदा एग्जाम्पल, अब तो वो फौत हो, मैं बताता हूँ वो फौत भी क्यों मिला है, मेरे जहन में कुदरती याद है। उन्होंने लोन लिया था जनाब बैंक से, और ये सच है, झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं हलफ नहीं ले। उन्होंने लोन लिया बैंक से, लोन लेकर उन्होंने किसी भाई को ट्रैक्टर लेकर दे दिया, ट्रैक्टर लिया था आई थिंक 8 लाख का, इस बात को 5 साल हो गए, 6-8 लाख का ट्रैक्टर लिया। वो ट्रैक्टर जो था उन्होंने अपनी इस्तेमाल किया होगा, जिनको वो लेकर दिया था वो मुकर के पैसे से, उन्होंने पैसे ना दिए। मेरे जो दादा अबू थे जो अभी कल परसों फौत हुए, उनके जिम्मे वो गल पड़ गए, वो गल इस तरह पड़ गया, दादा अबू की जमीन पलैची हुई, उसे पलैच करवाई थी, उन्होंने लिखवाई थी बैंक वाले ने, जमीन लिखवाई थी भाई, ऐसे क्या नहीं, ऐसे उन्होंने लोन नहीं दे दिया, उन्होंने कहा भाई आपकी जमीन आए, क्योंकि जिनको लेकर देना था कितनी जमीन नहीं थी, तो उन्होंने भाई उन्होंने जमीन प्लेज किया, उन्होंने कहा आप साइन करेंगे, अगर आप लोन नहीं ना देंगे तो आप ये जमीन हमारी होगी। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, उस पर अब 12 लाख 4 लाख का सूद लग चुका है 5-7 सालों में, 4 लाख का। हाँ बेचारे गरीब कहाँ से देगा, अब वो तो गया। और उसी सारी बातें, इंसान के हालात हर वक्त एक जैसे नहीं होते, कभी वो भी वक्त है जब उनके पास 10-10 लाख 20-20 लाख तो यूं हुआ करता, लेकिन नहीं हालात एक जैसे रहते। उसी टेंशन की वजह से कि मेरी जमीन जो है, क्योंकि नोटिस आ रहे हैं उनको, आ रहे थे, मेन वजह उनकी डेथ की हार्ट अटैक बना, और हार्ट अटैक की वजह मेन क्या, परेशानी।
वही परेशान है। यह जिंदा मिसाल मेरी खुद की घर की है, ज्यादा दूर ना जाए। वो जमीन उसकी प्लज हो गई, उनको नोटिस आ रहे हैं कि हम आपकी जमीन बेचेंगे अपनी रकम पूरी। ये अगर पंजाबी भाई इंडिया से बात सुन रहे हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसे होते होंगे, होते हैं, और अक्सर हमने मूवीज में देखा है, तो उस वो भाई इस बात को पंजाबी जो है वो समझ सकते हैं, आप शायद ना समझें, तो इसलिए हम इसको हराम समझते हैं। अब बैंक ने तो लेने ही लेने, या जमीन लेंगे आपकी या फिर पैसा लेंगे, पैसा नहीं हो वो दे सके, अब जमीन गई। इसी टेंशन की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए, यार मेरे मुझसे पैसे नहीं बन पा रहे। टेंशन होती है यार, बड़े इंसान को टेंशन होती है। अब तो वो कहते हैं पता कितना ज्यादा प्याज लग रहा है, टेंशन की वजह से ब्लड जो है ना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, और डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई, हार्ट अटैक परेशानी की वजह से हुआ, परेशानी बैंक की वजह से बनी गई हो। ये है सबसे बड़ी खामी सिस्टम की, जो कि इस्लाम इसलिए अल्लाह की जात ने मना फरमाया। ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन, आप जिस तरह मर्जी समझें, मैं गलत हो सकता हूँ, आप इसको जो रंग देना चाहे दे सकते हैं। मिलता नई वीडियो में, नाटक साहब, तब तक दीजिए।